आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेलिटोसिस या मुंह से बदबू आना यानी बैड ब्रेथ की। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि उन्हें मुंह से बदबू आने की समस्या है, वो इतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते। दोस्तों अगर चैनल में नए आए हैं या अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट इस चैनल में बताई जाने वाली सारी अच्छी अच्छी बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। और नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मुंह से बदबू आना एक आम समस्या है और ये किसी को भी हो सकती है। जी हाँ, जब हमारे मुंह से बदबू आती है तो हमें खुद को तो पता नहीं होता, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है कि इस इंसान के मुंह से बदबू आती है। तो वो अमूमन क्या करते हैं, उस इंसान से बात करने से कतराते हैं, फेस टू फेस बात करने से कतराते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, और वो बताते भी नहीं हैं कि आपके मुँह से बदबू आ रही है। क्यों? क्योंकि शर्म के कारण। और फिर पीठ पीछे जाके फिर बात करते हैं कि भाई उस इंसान के मुँह से बदबू आ रही थी। तो मुंह से बदबू आने के कारण कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी पे भी इफ़ेक्ट करता है और ये समस्या का समाधान तो होना चाहिए। पर क्या कारण है इस समस्या के? इस समस्या के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपके मुंह में किसी तरीके का इन्फेक्शन होना, आपका पेट साफ ना होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, पेट में किसी तरीके की बीमारी का होना, आप ब्रश नहीं करते, आप टंग क्लीनर नहीं करते, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते, और शाम में जब आप रात में सोते हैं तब अपना मुंह साफ करके नहीं सोते हैं, आप किसी तरीके का नशा करते हैं, आपका लीवर कमज़ोर है, आपके दांतों में कैविटी है। तो दोस्तों जब प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, और आज मार्केट कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ अवेलेबल है कि आपको किसी तरीके का माउथ वॉश दे दिया, कोई मेडिसिन दे दी, पर दोस्तों क्या वो इतने लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट देते हैं? क्या वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं? नहीं ना। तो हम इस वीडियो में ऐसी ही चर्चा करेंगे कि घर में जो हमारे किचन में अवेलेबल चीज़ें हैं उनकी मदद से हम अपने मुंह से आ रही दुर्गंध को किस तरीके से रोक सकते हैं। और दोस्तों अगर मुंह की दुर्गंध को ठीक नहीं किया समय रहते ही तो वो कई सारे बीमारियों का कारण होता है, क्योंकि हमारे मुंह में पनपने लगते हैं कई सारे बैक्टीरियाज जो कि हमारे पाचन तंत्र को भी बिगाड़ते हैं। आपसे मैं एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक कलीग हैं जिनके मुंह से बहुत बदबू आती है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ लेकिन बात करने से कतराती हूँ क्योंकि मैं उनके मुंह की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अमूमन जब मैं उनसे बात करती हूँ तो या तो साइड में इस तरीके से बात करती हूँ या कि कहीं और से, मतलब मैं उनको फेस नहीं कर पाती। और मेरे अंदर इतना संकोच होता था पहले कि मैं उनको बता नहीं सकती थी कि आपके मुँह से बदबू आ रही है, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं उनकी कलीग हूँ, उनकी दोस्त हूँ, तो उनको बताना ज़रूरी है। तो क्या समाधान हमने उनको बताए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इलाज नंबर एक, सबसे पहला बेसिक हाइजीन को प्रतिदिन दो बार, यानी सुबह जब आप उठेंगे तो सुबह ब्रश करेंगे और शाम में बिस्तर में जाने से पहले भी आप ब्रश करेंगे, ये आप अपनी प्लीज डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। उपाय नंबर दो कि आपको टंग क्लीनर करना है। बहुत से लोग ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन टंग क्लीनर नहीं करते, जिससे जो भी गंदगी मुंह में होती है वो हमारे टंग्स में, हमारे जीभ में चिपकी हुई होती है। तो हम उसको अगर टंग क्लीनर नहीं करेंगे यानी जीभ ही नहीं करेंगे तो वो गंदगी मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। उपाय नंबर तीन, खाना खाने के बाद आपको करना है कुल्ला, यानी कि जब भी आपने खाना खा लिया जाके मुंह अच्छी तरीके से धोइए। अगर मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो एक कप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़िए और उससे आप करें अपने मुंह की अच्छी तरीके से साफ सफाई, अच्छी तरीके से कुल्ला करें, क्योंकि जो नींबू होता है वो होता है एंटी बैक्टीरियल, विटामिन सी की उपस्थिति होती है उसमें और वो आपके मुँह के बैक्टीरियाज को क्लीन करता है, साफ करता है। आपने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में और आज भी बहुत सी जगह जब हम डिनर पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जब हम खाना फिनिश कर लेते हैं तो व्हाट दे ऑफर सौंफ। तो सौंफ भी हमारे मतलब मुंह के हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद आप सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला उपाय है
कि आप खाना खाने के बाद, चूंकि मुंह में कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कभी कभी कुल्ला करने के बाद भी नहीं निकलते, तो सिंपली व्हाट यू कैन डू इज आप एक च्युइंगम ले सकते हैं जिसको च्यू कर सकते हैं। अब च्युइंगम चबाने के भी कुछ फायदे हैं कि जब आप च्युइंगम को च्यू करते हैं तो आपके मुंह की अच्छी खासी कसरत हो जाती है, जो इधर इधर साइड फैट होता है मुंह में वो भी फैट भी कम करने में आपको हेल्प करेगा। तो खाना खाने के बाद जब आप च्युइंगम चबाते हैं तो मुंह में फंसे हुए किसी भी तरीके के रेसे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो भी निकल जाते हैं। अगर हमारे मसूड़े स्वस्थ ना हो, अगर हमारे मुंह का स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो वाजिब सी बात है मुंह से बदबू आएगी। तो आपको करना क्या है कि थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके और मुंह में ऐसे अपने हाथ में इस तरीके से लेके आप थोड़ा थोड़ा उसको अपने मसूड़ों की इस चीज़ से मसाज कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके मसूड़ों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होगा, मुंह में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है उसमें भी लाभ मिलेगा। और अगला, एक घर पे ही माउथ वॉश बना सकते हैं। कैसे कि आप एक कप पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर, दालचीनी घर में इजीली किचन में इजीली अवेलेबल है, अपनी मम्मी से पूछिएगा कि दालचीनी किसको कहते हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी। तो दालचीनी का पाउडर लीजिए, अगर दालचीनी का पाउडर नहीं है तो जो होल दालचीनी है उसको ही थोड़ा सा कूट के उसको पानी में उबाल के जब पानी आधा रह जाए उससे थोड़ा कुल्ला कीजिए, क्योंकि दालचीनी में होता है सिनेमिक एल्डिहाइड जो हमारी मुँह की हेल्थ के लिए, जो हमारी बैड ब्रेथ को क्योर करने में बहुत अच्छा होता है। और दालचीनी जो होता है वो होता है एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, तो किसी भी तरीके का फंगस, किसी भी तरीके के बैक्टीरियाज हमारे मुंह में पनपने नहीं पाते और एक अच्छी खुशबू आती है। दिन के दौरान आप एक खाना खाने के बाद या आपको जब लग, इलायची भी च्यू कर सकते हैं, लौंग भी च्यू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मदद करेगी बैड ब्रेथ को कंट्रोल करने में, मुंह से बदबू जो आती है उसको कंट्रोल करने में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी सारी पसंद आई होगी। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि चैनल में बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और कभी कभी थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए हाथ जोड़ के आप सभी से माफ़ी मांगूंगी। और आप एक काम और कर सकते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं डेली योगा की अपडेट्स के लिए, और इंस्टाग्राम में आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि मेरे पास वो मैसेज सुरक्षित रहेंगे और मैं जब भी वक्त पाऊंगी एंड आई प्रॉमिस कि मैं उसमें आपको रिवर्ट जरूर करूंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप प्लीज अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जब फिट बनेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।